कथा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ पके केले की बहुत ही लाजवाब हेल्दी नाश्ता, जिसे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आई होप कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केले का नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है कुछ पके हुए केले, जिसको कि घर में कोई भी पसंद नहीं करता है, ज़्यादा पक जाता है तो इसे खाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसे हमने इस तरह से इंटरेस्टिंग नाश्ता बनाया है कि सभी को पसंद आएगा। पहले इसे हम छील लेते हैं और इसके अब हम टुकड़े कर लेंगे। आपके पास जो भी केले हैं, 2, 3, 4 सभी इसमें यूज कर सकते हैं। तो अब हम सभी केले को चाकू से इस तरह से कट कर लेंगे। तो एक प्लेट हमने केले को कट कर लिया है। अब लेंगे मिक्सी का जार और उसमें हम सारे केले को डाल देंगे और साथ ही हम डालेंगे 1 कप दूध। आप दूध कोई भी ले सकते हैं, फुल फैट भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी है घर में उसे आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। केले और दूध को हमने डाल दिया है मिक्सी के जार में। अब इसे हम एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अगर बाकी थोड़े से बचे होंगे गुलटी, उसे फिर से हम चला लेंगे। तो इसी तरह से हमें देखिए स्मूथ बैटर चाहिए। अब हम एक लेंगे बड़ा सा बर्तन, आप कोई भी बॉल ले सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे केले के पेस्ट को और बाकी के जो मिक्सी के जार में लगे हुए उसे भी थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे जो पेस्ट है वो डाल दिया है बॉल में। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को भिगो करके और उसका पेस्ट बना सकते हैं। अब हम चावल के आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। तो देखिए चावल के आटे को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप गेहूं का आटा। ये वही गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं घर में, और इसे भी हम थोड़े थोड़े डाल करके इसको फाइन स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए चावल के आटा और गेहूं का आटा को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, जरा सा भी इसमें लम्स नहीं है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तब वही डालें, नहीं तो आप केले के साथ ही चीनी को पीस सकते हैं। तो मेरे पास चीनी का पाउडर था इसलिए हमने यहाँ पर 1/4 कप चीनी का पाउडर डाला है। और देखिए तीनों चीज़ को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। करीब 1 चम्मच हमने वनीला एसेंस का यूज किया है और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं बैटर में। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर लगे कि बैटर गाढ़ा है तो थोड़ा सा इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप हमने पानी डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो परफेक्ट हमारा बैटर तैयार है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बैटर हमारा परफेक्ट सेट हो गया है। अगर आपको लगे कि गाढ़ा है तो थोड़ा सा इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बैटर हमारा परफेक्ट तैयार है। तो अब चलते हैं इसे हम बनाने। गैस ऑन कर दिया है और उस पर हमने पैन चढ़ा दिया है, और पैन जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो बटर या घी में भी इसमें बना सकते हैं। तेल को पूरे पैन में फैला देंगे और इसे अब हम चम्मच की मदद से बीच में बैटर को डालेंगे। बैटर को डालने से पहले थोड़ा सा इसे हम चला लेंगे और इसे बीचों बीच हम पैन में डालेंगे। थोड़ा सा इसे हमें मोटा ही रखना है और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। तो सारे बैटर को हमने डाल दिया है और अब इसके ऊपर से हम थोड़े से टूटी फ्रूटी डाल देते हैं। अगर आपके पास काजू, बादाम, पिस्ता जो भी है उसे भी आप इसे डाल के गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास टूटी फ्रूटी था तो इसे हमने इस तरह से लगा दिया है ताकि बच्चे लोग को बहुत ही पसंद आए और देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो टूटी फ्रूटी डाल करके इसे हम बस 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए किनारे किनारे से बिल्कुल स्मूथ और करारे बने हैं।
तो परफेक्ट, हमारा नाश्ता एक तरफ से सीख गया है। अब इसे हम पलट देते हैं और इसे दूसरे तरफ से भी 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, फिर इसे हम पलट देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे दोनों तरफ से सीख गए हैं और किनारे किनारे से बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही यम्मी और हेल्दी नाश्ता है। आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल में जो न्यू विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। With the